आखिरकार चीन ने स्वीकार किया कि गलवान घाटी में उसकी जमकर धुलाई हुई थी। चीन को एक साल बाद ही सही, लेकिन मानना पड़ा कि भारतीय सेना ने उसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे चीन ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय सेना ने उसके सैनिकों को नाको चने चबवा दिए थे। 15 जून 2020 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर घातक हमला किया था। बदले में पास ही में भारतीय सेना के अन्य जवानों ने जो कुछ भी हाथ लगा उससे चीन पर जबरदस्त हमला किया और चीन के नन्हे मुन्ने गुंडों को छठी का दूध याद दिला दिया। अब एक वर्ष बाद चाहे मुंह फुला के या अपनी लाज बचाने के लिए, परंतु चीनी प्रशासन को स्वीकार करना ही पड़ा है कि भारतीय सेना ने गलवान घाटी में आक्रमणकारी चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल चीनी प्रशासन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ ने गलवान घाटी में मारे गए कुछ चीनी सैनिकों से जुड़ी जानकारियां और उनकी निजी बातें सार्वजनिक की है। ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के अंश के अनुसार इनमें से एक का नाम चेन होंगजुन है। उसके वरिष्ठ अधिकारी की फाबाओ को भारतीय सेना ने घेर लिया था। चेन होंगजुन इसके बाद अपने दो सैनिकों के साथ उस तरफ बढ़े, लेकिन इस दौरान भारतीय सेना उन पर लगातार पत्थरबाजी कर रही थी और लाठी डंडों से पीट रही थी। चीनी मीडिया का कहना है कि चेन होंगजुन ने अपने शरीर पर ये सब झेला। चीनी मीडिया का दावा है कि उनके कई जवानों को भारतीय सेना द्वारा घेर लिए जाने के बाद चीनी सेना ने उन्हें छुड़ाने के लिए हमला बोला। उस वक्त चीनी सेना के जवान सिर्फ साथ जीने मरने की ही सोच रहे थे और इसीलिए कम लोगों के साथ ही उनकी गलवान में जीत हुई। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा था कि चीनी सेना के जवानों ने इस उदाहरण का पालन किया कि आप निश्चित रहे कि मेरी मातृभूमि, मैं अपनी सीमा पर आपकी सुरक्षा के लिए हूँ। चेन होंगजुन और उनके साथियों ने जिम्मेदारी पूर्वक बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान दे दी। ये लोग काराकोरम की पहाड़ी पर तैनात थे। CPC ने 1 जुलाई 2021 को अपनी 100वीं वर्षगांठ से पहले उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इस युद्ध में मारे गए अन्य सैनिकों के योगदान को भी सम्मान दिया गया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य एक ही है, किसी भी तरह चीनियों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि गलवान घाटी में चीनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इस प्रयास में चीन ने एक बार फिर अपने आप को ही बेनकाब किया है। उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, पर यह स्वीकारना पड़ा है कि 15 जून की रात भारतीय सेना ने चीनी PLA के गुंडों की अकड़ धूल में मिला दी थी। बता दे कि दौलत बेग ओल्डी में चल रहे सड़क निर्माण को लेकर चीनी प्रशासन ने काफी आपत्ति जताई थी, जिसके चलते 2020 के प्रारंभ में उन्होंने भारत पर सैन्य दबाव बढ़ाने का प्रयास किया था। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ का प्रयास भी किया था, परंतु भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। जब चीनी सेना किसी भी प्रकार से भारतीयों को झुकाने में सफल नहीं हो पाई तो उन्होंने गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला करने की भारी भूल की। निसंदेह इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने 20 से अधिक सैनिक गंवाए, परंतु चीनी खेमे में भारतीयों ने बिना एक गोली चलाए ऐसा त्राहिमाम मचाया कि आज भी चीनी अपने वास्तविक मृतकों की संख्या बताने से हिचकिचा रहा है। इस रिपोर्ट में भी बड़ी सफाई से चीन ने वास्तविक मृतकों की संख्या छुपाई है। हालांकि ये चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। जब 1967 के भारत चीन युद्ध में नाथुला और चोला के मोर्चे पर चीन ने आक्रमण किया था तो भारतीय सेना ने प्रत्युत्तर में इतना भयानक हमला किया कि चीन के सैनिकों को सर छुपाने तक की जगह नहीं मिली। ये तब था जब माओ ज़ेडोंग की शक्ति अपने चरम पर थी। 1967 में अक्टूबर में सिक्किम में चोला में भारत की सेना ने तो चीन को इतनी बुरी तरह कूटा कि जिस जगह पर चीन ने धावा बोला था
वहां से 3 किलोमीटर पीछे वह खुद ही हट गया। आज तक चीन ने उस सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन ने गलवान घाटी की भांति आज तक ये कभी नहीं बताया कि चोला में उसने कितने सैनिक माओ ज़ेडोंग के सत्ता की लालसा की भेंट में चढ़ाए थे, जबकि भारतीयों का आधिकारिक दावा यह था कि चोला के युद्ध में कम से कम 350 से अधिक चीनी मारे गए थे। ऐसे में जिस प्रकार से ग्लोबल टाइम्स ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है कि भारतीय सेना ने गलवान घाटी में पीएलए के अकड़ की धज्जियां उड़ा दी थी, वो न सिर्फ हमारे सेना के पराक्रम का प्रमाण है बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि वर्तमान सरकार झूठ नहीं बोल रही थी। इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मोदी विरोध में देश के दुश्मनों की जय जयकार तक करने को तैयार हैं।